नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अलसी की फसल में कौन से रोग लगते हैं, किस अवस्था में रोग लगते हैं और आपको कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान साथियों, अभी अलसी की फसल लगभग 2 महीने के आसपास की हो चुकी है और इसमें फूल और कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। अब इसमें डोड़े बनने की प्रक्रिया भी स्टार्ट होने लग गई हैं। तो उसमें क्या होता है किसान साथियों कि इसमें इल्ली की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और अगर सही समय पर उपचार नहीं किया जाए तो ये जो डोड़े बनते हैं इसके अंदर इल्ली छेद कर देती है और उसके अंदर का सारा फल खा जाती है और हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो इसके बारे में आज हम टिप्पणी करने वाले हैं, जिसमें कि आपको रोग इल्लियों की आपको जानकारी और साथ साथ में इसमें कौन सी दवाई लगती है उसकी जानकारी जो है देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और खेती से संबंधित सभी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो किसान साथियों, इसमें शुरुआत में फूल के समय हरी इल्ली लगती है, उसके बाद में जैसे ही डोड़े बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो काली इल्ली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है, जो कि चौतरफा नुकसान करती हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय पे इसका उपचार नहीं किया जाए तो यह सारे डोड़ों में छेद कर देती हैं और उत्पादन काफ़ी कम आता है। तो उसके लिए आपको खेतों में जाकर देखना है कि आपके यहाँ पर हरी इल्ली है या काली इल्ली है। अगर हरी इल्ली की शुरुआती अवस्था में उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो वह कंट्रोल हो जाती है, नहीं तो फिर काली इल्ली का रूप ले लेती है और उसे काफ़ी महंगी दवाई लाकर फिर हमें स्प्रे करके उसे ख़त्म करना पड़ता है। तो किसान साथियों, जब आपके यहाँ पर हरी इल्ली होती है तब आप अगर लेमड़ा साइलोथीन जो दवाई होती है उसका 150 ml से 200 ml प्रति बीघा के हिसाब से आप स्प्रे कर देते हो तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं और उसकी जो लंबी प्रक्रिया होकर वह काली इल्ली में परिवर्तन नहीं होती हैं और वहीं पर वह कंट्रोल हो जाती हैं। अगर आपने फूल के समय स्प्रे नहीं किया है और आपके इसमें अगर डोड़े बनने लग गए हैं और उसमें काली इल्ली अगर आपको दिखाई दे रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं, तो उसमें फिर आप उस समय इमामेक्टिन बेंजोइड 50 ग्राम प्रति बीघा और 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में लेकर उसका स्प्रे करना है, जिससे कि डोड़े के अंदर घुसी हुई इल्ली, बाहर की इल्ली, सभी तमाम इल्लियाँ उसमें समाप्त हो जाएगी। इसमें आप तत्काल प्रभाव अगर चाहते हो, तत्काल नियंत्रण चाहते हो, ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो इसमें भी आप इमामेक्टिन बेंजोइड के साथ जो है 150 ml 150 ml प्रति बीघा के हिसाब से जो है लेमड़ा साइलोथीन 5% इसी फॉर्म वाली आप ले सकते हो, जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये तो बात हो गई सामान्य स्थिति की। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा ही डोड़े बने हुए हैं, उनमें ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से नुकसान हो रहा है, कोई सी भी दवाई या काम नहीं कर पा रही है, तो फिर जो चने की इल्ली उसमें ज़्यादा दिख रही है तो आप फिर जो फेम नाम से दवाई आती है जो कि बायर कंपनी की फेम होती है, जो कि रामबाण इलाज है अलसी की फसल में, चने की फसल में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, तो उसका आपको 25 ml प्रति बीघा और 40 से 45 ml या 50 ml तक भी आप ज़्यादा प्रकोप होने पर ले सकते हो तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर उसका 150 लीटर पानी में लेकर शाम के समय यानी कि 4 बजे के आसपास आपको स्प्रे करना है, जिससे कि उसका अच्छा गैस बनेगा, अलसी की फसल में सभी तमाम तरह के कीट उससे नियंत्रित हो जाएंगे। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी आपकी फसल में लगने वाली इल्ली से संबंधित। अब यहाँ पर आकर कुछ अलसी की फसल या कुछ खेतों में हमें फंगस का या पीलासपन का रोग भी दिखाई देता है, तो अगर आपके यहाँ पर पीलासपन है तो आप अच्छा सा फंगीसाइड भी इसके साथ में मिला सकते हो। अगर पीलासपन नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इल्ली की दवाई लेकर ही स्प्रे कर सकते हो। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें। किसान भाइयों की लगातार मांग है कि वीडियो लंबा ना बनाए, इसलिए मैं संक्षिप्त में जानकारी देने की कोशिश करूँगा और कम विवरण देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हमारे जो है ज़रूर बताएं, और अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और किसान साथियों, आपकी फसल कितने दिन की हुई है, आपने कब लगाई थी, कौन सी दवाई स्प्रे करी, सभी चीज़ें आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप चैनल पर जाकर खेती से संबंधित सभी वीडियो जरूर देखें, सोयाबीन प्लांट भाव जरूर देखें, मंडी भाव से संबंधित प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और गेहूं चना अलसी सरसों मटर की जानकारियाँ सभी डाल रखी हैं, आप उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।